और खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र असेंबली से आ रही बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने स्पीकर का इंतखाब जीत लिया। राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले जबकि अक्सरियत के लिए 144 वोट ही दरकार थे। दूसरी जानिब एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन सालवी को 107 वोट मिले। एमएनएस की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया गया। समाजवादी पार्टी एमएलए ने वोट देने से इनकार कर दिया। सीपीआई एमएलए ने एमवीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया। स्पीकर की जीत के बाद अब पीर के दिन 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। उधर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं नई हुकूमत को मुबारकबाद तो देता हूं, मगर साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि पार्टी को जिस तरह धोखा दिया गया उस तरह आवाम को धोखा ना दिया जाए। कि मुंबईकरों को धोखा ना दे, नई सरकार जो बनी है उनको मैं शुभकामना तो देता हूं, लेकिन यही बात कहता हूं जो उद्धव साहब ने भी दोहराई थी, वही बात मैं दोहराता हूं कि हम पे जो गुस्सा होगा, जो हमें जो धोखा दिया है वो मुंबईकरों पे ना निकाले या मुंबईकरों को धोखा ना दे। ये मुंबई के लिए अहम प्रश्न है। आरे अगर कारशेड वहां बनती है तो सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, वहां बायोडायवर्सिटी का सवाल है। और एक और अहम खबर नाज़रीन आपको हैदराबाद से देते हैं। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम से पहले हुक्मरान जमात टीआरएस ने ग्राउंड के करीब जय जय केसीआर के नारों के साथ गुब्बारे यानी बलून्स उड़ाए। नाज़रीन अब हम एक बार फिर से रुख करेंगे।